अबे क्या बाल जल गए क्या? वही ये क्या हो रहा है? और मैं और शिव निकले हैं अभी स्कूटी पे चक्कर मारने। टाइम हो रहा है एक रात का इस टाइम। मम्मी हेलो कर दो सबको। हेलो। रात के 2:45 बज रहे हैं इस टाइम। यहाँ सोएगा नहीं आज कोई। अगर कोई बंदा गलती से गिर गया या फिसल गया तो घुटने उसके छिल जाएंगे। तो यार हमारे यहाँ पे रामायण का पाठ चल रहा है और श्री राम की एंट्री हुई है रामायण के पाठ पे। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे मेरे को बिठा के रखा है, साड़ियाँ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, और अब सबके लिए घंटी बजती है। तो मेरी कजन जो है श्रिया, उसकी शादी है जनवरी एंड में। उसकी तैयारी जो है जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे गुस्सा गुस्सा गुस्सा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक नया दिन, एक नया ब्लॉग। फ्राइडे का दिन है, 4 बज चुके हैं शाम के, काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कल वाले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा, मेहंदी के फंक्शन पे गए थे, तो आज शादी है, तो अब निकलेंगे आराम से तैयार व्यार होके अराउंड 8:30 तक। जैसे कि आपने 2-3 ब्लॉग पहले देखा होगा, लास्ट वीक छठ पूजा के चक्कर में हम लोग गए थे ग्राउंड चेक करने के लिए। अब आज हमें फिर से चेक करना है, अगर तो ग्राउंड नहीं कंडीशन में खेलने की, तो जहाँ पिछले हफ्ते खेले थे कल भी सैटरडे को गेम वही होगी। तो यार शिव के साथ आया हूँ मैं भी। आई होप आप लोग वोट कर रहे होंगे इसको यार। क्यों, कहाँ है भाई शिव बता दे। यार आज फिर ग्राउंड चेक करने आए हैं। ऑल्टरनेटिव ग्राउंड देखा था ना, तो MCG है वो यार, ज्यादा बढ़िया था वैसे। पर जिनसे मैच लगाते हैं वो थोड़े से मना कर रहे हैं कि वहाँ नहीं खेलना, क्योंकि हमने कुछ ज्यादा गलत कर दिया पिछले हफ्ते उनके साथ। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अब देखते हैं ग्राउंड की कंडीशन, दिखाते हैं आपको। वहाँ पे आप देख सकते हो, उधर हमारी पिच होती है वहाँ से पूरी सामने की, और ये लेग साइड होती है। और लेग साइड की एक बार हालत देख लो यहाँ पे, जो पिछले हफ्ते आपको दिखाया था मैंने, खड्डे हो रखे थे। भर तो दिया इन्होंने, लेकिन यहाँ पे इतना बुरा हाल हो रखा है इस जगह का। अगर कोई बंदा गलती से गिर गया या फिसल गया तो घुटने उसके छिल जाएंगे। तो यहाँ तो मुश्किल लग रहा है भाई गेम कल भी। क्यों भाई? यहाँ तो मुश्किल है, इंजरी का फायदा नहीं है यार। इंजरी के चांसेस ज्यादा नहीं बढ़ जाएंगे? वही चलते हैं, मैच वाले को बोल के अब वहीं करेंगे। कम से कम 2-3 हफ्ते तो नहीं हो पाएगी यहाँ पे, जब तक भरेगा नहीं है। A few moments later. अरे ब्लेजर देख सकते हो, मैंने यहाँ पे टांग दिया गाड़ी में। गाड़ी मेरी को ड्राई क्लीन की दुकान लग रही है। आज ब्लू ब्लेजर पहन रहा हूँ मैं आज वेडिंग में। ये देख लो भाई, ये कहाँ चढ़ा हुआ है ऊपर, कहाँ जाएगा भाई चढ़ के। अरे कुत्ते उत्ते ना गाड़ी में बैठ जाते हैं, तो ये तो गली में चलता ही रहता है। तो हम लोग तो यार रेडी हो गए हैं दोनों, और अब हम लोग निकलने लगे हैं वेन्यू के लिए। ठीक है, बारात पहुंचने वाली है वहाँ पे आधे घंटे में, और हमें भी इस समय मैप में दिखा रहा है 40-45 मिनट, हम भी तब तक पहुंच जाएंगे। तो आपसे मिलते हैं चलकर वेन्यू पर। तो यार आज बहुत तगड़ा साया है यहाँ पे शादी का, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार ट्रैफिक तो होगा काफी। बाकी देखते हैं रास्ते में कितना मिलता है। फिर Later that same evening. तो यार इस टाइम पे वक्त हो रहा है रात के 1:30, हम लोग आ गए हैं वापस घर। क्या देखने लगे हो फिर अब टीवी में? देखते हैं यार, कुछ नींद तो आ नहीं रही अभी। मैं तो सो जाऊंगा भाई, मैं भी सो ही जाऊंगी, बट अभी कुछ टीवी में देखेंगे तभी नींद आएगी। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब सुबह मेरे को जाना है खेलने, और 3-4 घंटे कोशिश करूंगा जितनी नींद मिल पाए सुबह ग्राउंड के लिए निकलेंगे। आप लोगों से मिलते हैं फिर सीधा सुबह। The next morning. देख लो अभी ठीक से सुबह भी नहीं हुई है, रात ही है अभी, और हम निकल चुके हैं मैदान के लिए। यहाँ शिव के साथ मैं निकला हूँ सुबह सुबह, और ये बिग बॉस के घर से आ गया था 5 बजे। उसके बाद मुश्किल था यार आना, कैसे आना पड़ता है यार। क्या क्या है इंडिया है, बड़ा हरामी हो बेटा। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 5th नवंबर सैटरडे। इस समय बज रहे 11:30। दीप सुबह सुबह खेलने चला गया था, वो खेल के आ भी गया है, ब्रेकफास्ट करके सो गया है। सभी बना लगी हूँ अपना ब्रेकफास्ट, तो आपसे मिलती हूँ ब्रेकफास्ट पर। मैंने अपना ब्रेकफास्ट बना लिया है, तो मैं पोहा खा रही हूँ अभी। तो आज का प्लान ये है कि आज है सनी की रिसेप्शन, तो हम लोग निकलेंगे 7:30 बजे, और मेरे मम्मी पापा भी आ रहे हैं वहाँ पे। ब्रेकफास्ट करके मुझे लंच भी बनाना है, सुदीप अभी सो रहा है, उसके उठने से पहले मैं लंच बना लेती हूँ। लंच में मैं बना रही हूँ आज वेजिटेबल एंड पनीर पुलाव। थोड़ा लाइट खाने का मन था, तो इसलिए वेजिटेबल्स डाल के और पनीर डाल के मैं पुलाव बना रही हूँ। ब्रूनो भी सो रहा है यार अभी, उसको भी नींद आ रही है। हाय बोल दो ब्रूनो। हाय, हेलो कर दे। हेलो 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 बोल दो सबको। मेरे हाँ हेलो। पक्का सी रहा है? और कुछ नहीं, जो आपको बोलना है आप बोल सकते हो। इससे ज्यादा नहीं लगता है। हो गया काम आपका? हाँ जी हो गया। छुट्टी? तो जैसे हमारे गुड़गांव वाले घर में अनीता दीदी हमारा घर अच्छे से रखती हैं, वैसे ही दिल्ली वाले घर में ये रिंकू दीदी हैं, जो हमारा घर बहुत अच्छे से रखती हैं। अबे ये क्या बाल जल गए क्या? वही, ये क्या हो रहा है? अबे ये धुआं कैसे निकल रहा था यार एकदम से? इसको वैसे ना 10 सेकंड रखते हैं, अगर आप 10 सेकंड से ऊपर रख लो ना, ये देख धुआं निकल रहा है। हाँ, अगर इसको ज्यादा रख लो एक्चुअल में, अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे तो जल सकती, हीट ज्यादा हो जाती है ना उसमें। तो यार आप देख सकते हो मैं रेडी हो गया हूँ, अब हम निकलने लगे हैं रिसेप्शन के फंक्शन के लिए। अतिका भी रेडी हो रही है, तो हम आपसे मिलते हैं जब निकलते हैं। गाइस हम लोग बस निकल गए हैं, इस समय दिखा रहा है 45 मिनट्स, तो हाईवे पे है, गुड़गांव हाईवे पे है, तो आई थिंक हम 40 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। तो आपसे मिलते हैं रास्ते में। We'll be right back.
लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे और मम्मी भी आ गई हैं। मम्मी हेलो कर दो सबको। हेलो। हमारे बस कुछ खाने लगे हैं, बहुत भूख लग रही है। अब कुछ खाएंगे यार। अब बस खाना खाने लगे हैं हम लोग भी। मम्मी ने खाना खा लिया, मम्मी निकल गई है। अब हम लोग भी खा के निकलते हैं घर के लिए। One hour later. तो हम लोग बस निकल गए हैं अभी रिसेप्शन से और इस समय बज रहे हैं 11:50। तो आई थिंक इस समय हमें 25 मिनट लगेंगे घर पहुंचने में। तो आपसे मिलते हैं घर चलकर। सर मैं और शिव निकले हैं अभी स्कूटी पे चक्कर मारने। टाइम हो रहा है एक रात का इस टाइम पे। और बंदा सूट पहन गया है। एक बात बता शिव, ये एक दिन में दो बार बिग बॉस के घर से कैसे निकल सकता है तू? यार अभी बिग बॉस ना कहीं और चल रहा है मेरे। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो मैं इसलिए आना पड़ा भाई वहाँ पे। वहाँ मेरा लग चल रहा है, यहाँ लग चल रहा है। सर हमारे यहाँ पे रामायण का पाठ चल रहा है और श्री राम की एंट्री हुई है रामायण के पाठ पे। जय श्री राम। यहाँ पे यहाँ ऊपर चल रहा है पाठ और ये आ गए श्री राम इधर। तो अभी पाठ पे जाना है ऊपर अभी पाठ। अरे आप आ गए तो अब काहे का पाठ। A few inches later. तो यार घर तो हम आ गए थे वापस। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ आज। तो मेरी कजन जो है श्रेया की शादी है जनवरी एंड में और उसकी तैयारी जो है जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। बहुत धमाल होने वाला है जनवरी के अंदर। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ भाई। ये देख लो, रात के 2:45 बज रहे हैं इस टाइम और यहाँ पे मेरे यहाँ मम्मी नानी और मासी शादी की डिस्कशन चल रही है। इधर ले रे बाबा उठा ले। 2:45 बजे रात के यार, यहाँ सोएगा नहीं आज कोई। ये 2:45 बजे जो डिस्कशन चल रही है ये यहाँ पे बनने वाली है ग्रीन टी। ये देख लो भाई, ये देख लो। और मैंने तो चेंज भी नहीं किया, जब से मेरे को बिठा के रखा है साड़ियाँ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, और अब सबके लिए ग्रीन टी बनती है। फुल तैयारी स्टार्ट हो चुकी है शादी की। यहाँ पे शादी से आए हैं और शादी की तैयारी कर रहे हैं। सर ये देख लो, ये भी डिस्कशन का पार्ट है यहाँ पे शादी की। क्या सजेशन दे रहा है अपने? रात के 3 बज रहे हैं यार और ये चाय के दौर चल रहे हैं। ग्रीन टी है, ग्रीन ये तुलसी हमारी मिडनाइट टी चल रही है हमारी। अच्छा बस गुस्सा। तो यार 3:30 बज गए हैं और अब जाके शादी की डिस्कशन खत्म हुई है और हम आए अपने रूम में और अब करने लगे कपड़े चेंज और अब बहुत नींद आ रही है। तो यार वक्त आ गया आज का ब्लॉग एंड करने का। बहुत ही टायरिंग डे था। 3:30 बज चुके हैं सुबह के। सोने की तैयारी करेंगे भाई कि कल है संडे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। इंडिया का मैच भी है भाई कल जिम्बाब्वे के साथ, तो चीयर करना है इंडिया को कल। उसके बाद फिर देखते हैं अगले हफ्ते सेमीफाइनल है तो क्या बनता है मामला। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। Till then, take care or good night.